Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this video, we are going to discuss creating an inclusive school question paper of SNDT University 2018. Exam timing was 2:30 to 5:30 for this particular paper in 2018, and particularly 75 marks ka aapka paper rehta hai. So let's begin with the discussing the questions. Dekhiye in sabhi questions ka आंसर के साथ आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. आइदर यू कैन डू द क्वेश्चन इन चॉइस, एक्सप्लेन द वायरल रूल ऑफ माध्यमिक शिक्षा अभियान इन इंक्लूसिव एजुकेशन. 40 मार्क्स का देखिए ओवरऑल आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है. तो मतलब ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, हर एक पार्ट जो है आपका 10 मार्क्स का रहेगा. तो ए पार्ट में से दो चॉइसेस आपके पास हैं, कोई भी आप कर सकते हैं. 10 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है. बी पार्ट इज एक्सप्लेन द कॉजेज एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशल नीड्स ऑफ मेंटली चैलेंज लर्नर, सजेस्ट सम एक्टिविटीज़ फॉर दीज टाइप ऑफ लर्नर्स. चॉइस में क्वेश्चन है यहाँ पे, वट इज़ विजुअली इम्पेयरमेंट, एक्सप्लेन द नीड एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट लर्नर्स. सी पार्ट इज ओरिएंटेशन टू बी गिवन टू पेरेंट्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जस्टिफाई इट. चॉइस में क्वेश्चन है, वट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूसिव ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स. द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज पार्ट डी. द क्वेश्चन इज स्पेशल टीचर is essential for special school students, write your opinion. Either you can do the question in choice, write with examples the various barriers in inclusive education. इसके बाद यहाँ पे question number 2 है, short notes आपको लिखने हैं, ठीक है. First is impairment, choice में है सर्व शिक्षा अभियान, then physically diverse learners or children or visually impaired. सी पार्ट इज यूज ऑफ ICT फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज और इमोशनली डाइवर्स लर्नर्स. डी पार्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज और रेमेडियल टीचिंग. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, MCQ क्वेश्चंस आर देयर, टोटल 5 मार्क्स, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. डैश ऑफ डिसेबिलिटी इस्टेब्लिश इन ईयर 2006. सेकेंड इज डिसकैलकुलिया इज यूजली परसीव्ड एज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी इन डैश. थर्ड इज डैश इज सपोर्टिव सर्विस फॉर रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल नीड इन क्लासरूम. फोर्थ पार्ट इज डैश स्टूडेंट्स आर ऑफन परफेक्शनिस्ट एंड आइडियलिस्टिक. फिफ्थ पार्ट इज डैश हैव लार्ज वोकैबुलरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज पैसेज बेस्ड, ओवरऑल ऑफ 10 मार्क्स. द क्वेश्चन इज अ टीचर ऑफ 8th क्लास dictating a paragraph, Seema is one of the student of that class. She was not able to write words accurately sometimes. She forgot to remember the information. She made mistakes while writing the sentences. She wrote some alphabets in wrong way. Two questions are there. Each question will be of 5 marks definitely. What type of disability in above case? You have to write about the disability and also describe it. How will you use various teaching strategies for such disabled students? So the strategies which you are going to explain. This question will not be divided in 5 and 5. Question number 1 will be of 2 marks and question number 2 is going to be of 8 marks. Because if you will see previous year paper pattern, whenever they are asking that you have to find out the disability, passage padh ke aapko disability pehchanni hai kaun si hai, to wo hamesha 2 marks ka rehta hai. So first question 2 marks ka hoga, second part yahan pe 8 marks ka hoga. Overall question 4 hua aapka 10 marks ka, right? तो देखिए पैसेज, MCQ, शॉर्ट नोट्स, ओवरऑल जितना भी ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ओवरऑल इसका सॉल्व्ड PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, विच इज़ अ पेड PDF जस्ट ऑफ 50 रुपीज़. यू कैन डाउनलोड दैट PDF फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. वी विल बी डिस्कसिंग 2017 क्वेश्चन पेपर ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल ऑफ SNDT यूनिवर्सिटी. थैंक यू.